केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर किसान मजदूर व ट्रेड यूनियन द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान को लेकर आज 10 अलग अलग वामपंथी संगठनों द्वारा बटाला के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा जबरदस्त नारेबाजी करते हुए चौक को जाम कर पूरी आवाजाही ठप कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही गलत नीतियों के कारण लोगों के काम काज ठप हो चुके हैं और महंगाई व बेरोजगारी अपने चरम तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों के दौरान इस समय में सत्ता पर काबिज हुई सरकारों ने देश का नुकसान ही किया है, चाहे वह मौजूद बीजेपी सरकार हो या फिर पूर्व कांग्रेस सरकार। साथ ही इन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज का प्रदर्शन इन सभी सरकारों के लिए एक चेतावनी है कि ये सरकारें अपने काम के पारदर्शिता लाते हुए चुनावी वादों को पूरा करें या फिर सत्ता से बेदखल होने के लिए तैयार हो जाएं। तो सरकार मोदी सरकार। साथियों, आज मजदूर एकता मोदी सरकार ਬਖਤਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 40 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 700 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ और 21,000 रुपया महीना तनख्वाह होनी चाहिए है। मिड डे मील, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, ये सारे जड़े स्कीम वर्कर ने इन्हों घट्टो घट्टो जो शामिल किया जाना चाहिए। असी अज की इस हड़ताल के जामिया यूनिवर्सिटी और JNU के जो दिल्ली पुलिस के ABP के गुंडिया ने हमला करके तशद्दुद किया जांच की मांग करने के लिए ये धरना लाया आ और असी इस धरने के राही पंजाब ते केंद्र सरकार नूं चेतावनी देनी चाहुंदे आ कि वह पंजाब दे विच किरतियां दे हक्कां दी, किसानां दे हक्कां दी और मुलाजमां नौजवानां दे हितां दी राखी करे, नहीं तो आने वाले समय के लोग उखाड़ सुट्टणगे। तुहानूं लगदा कि ये जिहड़ा रस्ता वा इहदे नाल कितना कितना हक मिल जाएंगे? ये रस्ता ही आ जिन्हें मोदी ते शाह नूं पिछे हटण लई मजबूर कर दिता, जिहड़े वो कहिंदे सन कि नागरिकता सोध कानून NRC असीं हर हाल च लागू करना और हुण वो कहिंदे ने असीं तां इहदे ते चर्चा ही नहीं करदे। इस करके मोदी सरकार दे पैरां चों लोकां ने जमीन हिलाती आ। कांग्रेस या दूजिया धिर कोई विरोधी धिर का रोल नहीं निभा रही, स्टूडेंट नौजवान तो देश के किरती किसान ही हुण विरोधी धिर की भूमिका निभा के मोदी और सरकार उन्होंने बैकफुट तो सुटिया। अज महिलावां भी वड्डी गिनती च इस धरने विच बैठियां होईयां ने, किहड़ी ऐसी मुश्किल जां किहड़ी ऐसी मंगां ने जिन्हां नूं लै के तुसीं भी शामिल होए? हाँ जी, जिवें अज पूरे हिंदुस्तान दे विच मोदी सरकार वालों जिहड़ियां लोक मारू आर्थिक नीतियां जिहड़ियां लियांदियां गईआं उहदे विरोध ते हैगा ही आ। नाल दी नाल इह दूसरी बार जदों मोदी सरकार आई आ हिंदुस्तान दा माहौल खराब होया बहुत ज़्यादा, खासकर औरतों लई, ते जिथे साडियां आर्थिक मंगां वा कि साढ़े मजदूरां दियां जिहड़ियां किरत कानून दे विच सोधां कीतियां जा रहियां, किसानां दा बुरा हाल आ, जिहड़ा खेतां दे विच मजदूर कम कर रहा उन्हूं लगातार दिहाड़ी नहीं मिल रही है, जिथे ये मंगां औरतां जिहड़ियां वा इहदे विच ज़्यादियां नपीड़ियां जा रहियां जे, ते खास कर हिंदुस्तान दे विच जदों दी मोदी दी सरकार आई आ हिंदुस्तान दे विच औरतां जिहड़ियां सुरक्षित नहीं आ, ये तो दुनिया के सर्वे ने भी दस दिता वा कि हिंदुस्तान औरतों लई सुरक्षित थां नहीं आ। सो ये हर तरह का प्रोटेस्ट है, हर तरह का विरोध है सरकार दीयां नीतियां दा। NRC ते CEA जिहड़ा आया इहदे विच सब तो ज़्यादियां जिहड़ियां औरतां प्रभावित होणगीआं, दलित प्रभावित होणगे, मजदूर प्रभावित होणगे, क्योंकि उन्हां दा पिछला कोई कागजात औरतों का जां मजदूरों का गरीबों का नहीं हैगा वा, जिहड़ा प्रूफ सरकार लैके आ रही है। तो इहदे विच जिहड़ी बहुत वड्डी चाल सानूं दिस रही आ कि जे इहदा विरोध ना कीता गया तां आउण वाले समें दे विच हिंदुस्तान जिहड़ा है ये मनुवाद के जिहड़े ढांचे
फस के रह जाएगा। जी हिटलर शाही पूरे हिंदुस्तान लागू करना चाहते हैं मोदी तो अमित, यदा जोड़ा विरोध है पूरे हिंदुस्तान। मैं एक गल करनी चाहवागी, मैं धन्यवाद करती मोदी तो शाह दिया मारू नीतियां कि जिथे लोगों से इदा जुल्म ढाया जा रहा, तो वधाई के पात्र ने हिंदुस्तान के वो लोग जोड़े अज सड़कों पर आए। अज लोग जिन्हें अज इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे विद्यार्थी जथेबंदियां, चाहे नौजवान मजदूर, ट्रेड यूनियन मुलाजम, यह मैं कहनी एक बहुत ही काबिले तारीफ गल आ कि जिथे ने सरकार ने दमन अपना चलाया है, हिंदुस्तान के लोग इस दमन का टाकरा करने खड़े ने। बटाला से जसविंदर बेदी के साथ ममता कुमारी की रिपोर्ट।